लॉर्ड्स की जीत ये कमाल की थी ना, पर कमाल की तो ब्रिस्बेन वाली जीत भी थी। दैट बैंगलोर टेस्ट मैच जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड करने के बाद, या फिर वो जोबर्ग जहां पर खतरनाक पिच पे पहले बैटिंग की और फिर अंत में मुकाबला जीते, श्रृंखला हार गए थे पर आखिरी मैच में दिल जीता भारतीय टीम ने। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पांच में जबरदस्त टेस्ट विन्स, भारत की पिछले पांच साल की पांच सबसे मेमोरेबल टेस्ट विन्स को थोड़ा सा रीकाउंट रीलिव करने वाला हूं और आज क्रिकेट पाठशाला लेकर आ रहा हूं मैं आपके पास, जहां शोएब अख्तर साहब, शोएब अख्तर इज गोइंग टू टेल अस कि फास्ट बॉलर बनने के लिए ना क्या चाहिए होता है, मतलब जिगर गुर्दा एंड ऑल ऑफ दैट, ही टेल अस अ लॉट मोर। और मेरा आज का ट्रिविया ये है कि कौन सा वो भारतीय गेंदबाज है जिसका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है इन अ लूजिंग कॉज इन अ टेस्ट मैच, मतलब विकेट तो बहुत सारी चटकाई, सबसे ज्यादा विकेट चटकाई एंड दिस इज द फिनोमिनल परफॉर्मेंस, पर मैच पे भी भारत नहीं जीत पाई। हैशटैग आकाशवाणी और इस पे थोड़ा सा रीलिविंग की कहानी, क्योंकि अभी लॉर्ड्स का टेस्ट हुआ ना, तो अभी भी वो कहते हैं आफ्टर ग्लो इज देयर, जब आप ऐसी कोई बहुत बड़ी जीत दर्ज करते हैं अर्जित करते हैं ना, तो दैट मेमोरी स्टेज विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो पर मैंने कहा चलो एक क्यों, लेट्स ट्राई एंड पुट देम इन ऑर्डर ऑफ सम सॉर्ट्स, एटलीस्ट जब आप कंपेयर कर पाए कि अच्छी ये भी अच्छी थी और वो बहुत अच्छी थी और ये वाली उससे भी बेहतर थी फॉर अ डिफरेंट रीजन, सो आई हैव एक्चुअली गॉट फाइव ऑफ देम, और उनमें से दो जीत जो है वो इंग्लैंड की है, दो जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है घर पर, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तो लेट्स गो बैक टू 2017, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो फिर वहां से थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। 2017 का बैंगलोर का मैच आपको याद है राइट, जहां पर पुणे से हार के पहुंचे थे, फर्स्ट इनिंग लीड आप कंसीड कर चुके थे, इनफैक्ट फर्स्ट डे नेथन लायन ने 6-7 विकेट चटका दी थी। अब उसके बाद वहां से वापसी करना, सेकंड इनिंग्स में एक बार फिर पुजारा रहाणे इकट्ठे होना और अंत में आके अश्विन जाडेजा मिलते हैं और दे जस्ट रन थ्रू द ऑपोजिशन, आई थॉट दैट वेन, क्योंकि एक एक की बराबरी पे फिर श्रृंखला को खड़ा किया, क्योंकि अगर वो टेस्ट हार जाते एंड ऑफकोर्स यू आर बिहाइंड इन द टेस्ट मैच, फर्स्ट इन लीड आप कंसीड कर चुके हैं जैसे अभी लॉर्ड्स में भी की थी, तो अगर वो रह जाता तो फिर बॉर्डर का उसका ट्रॉफी को टाटा बाय बाय कहना पड़ता, क्योंकि 2-0 से आगे यानी कि 4 मैच की श्रृंखला में आप श्रृंखला जीत नहीं सकते और ड्रॉ श्रृंखला में क्योंकि आखिरी जो सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, वो ट्रॉफी अपने साथ ले जाते, तो फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन एंड गेम, बहुत अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर था वैसे ये वो जो था ना ब्रेन फेड वाला ये टेस्ट मैच था, यस यू रिमेम्बर नाउ। अब उसके बाद अगर चलते हैं तो 2018 में मैं पहले नॉटिंगम की जीत की बात कर लेता हूं, जहां पे लगा कि आप जीतने वाले थे, मतलब उससे पहले पूरी श्रृंखला आपको जीतनी चाहिए थी पर यू गॉट एब्सोल्युटली रॉजर्ड एट लॉर्ड्स, क्योंकि वहां पर आपने थोड़े से गलत डिसीजन लिए, बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉटिंगम टेस्ट मैच, बड़ा स्पेशल टेस्ट मैच था क्योंकि इसमें विराट कोहली के एक्चुअली दोनों पारियों में रन थे, हार्दिक पांड्या की वो 5 विकेट का हॉल था, एक ऐसे समय पर ये जीत आई जब आपको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा यार, ये टीम थोड़ा सा बिखर रही है, थोड़ा सा चीजें खराब होती जा रही है, एक के बाद एक थिंग्स वर जस्ट नॉट फॉलिंग इन प्लेस। सो दिस विन इन 2018 नॉटिंगम का मैदान बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी, बट देन इवन मोर मेमोरेबल है, आप श्रृंखला हार चुके हैं, आप केप टाउन हार चुके हैं, आप सेंचुरियन हार चुके हैं, फिर आप पहुंचते हैं जोबर्ग के मैदान पे, जहां पिच है डेंजरस, इनफैक्ट सो डेंजरस कि आप कहने वाले थे कि बस यार आई वॉज वॉचिंग दैट गेम, मुझे लगा कि यार डेंजरस पिच है, काय को खेल लो, मत खेलो, छोड़ दो, लेकिन भारत ने कहा ना 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 ना, हम लड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम पहले बैटिंग भी करेंगे और अंत में वी विल बी एबल टू डिफेंड, मतलब दे एक्चुअली ऑनेस्टली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे पुट देयर बॉडी ऑन द लाइन, चोटें लगी इसमें बहुत सारी पर इंडिया खड़ी रही, डटी रही, श्रृंखला जरूर हार गए थे, वो तो हार ही चुके थे उस मैच से पहले, पर ये जो 2018 की ये जो जीत है, आई थॉट दैट वॉज फिनोमिनल, इट वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। फिर गए हम अब मैं यहां पे लॉर्ड्स की जीत, लॉर्ड की जीत को जो अभी हुई है इसको मैं यहां रख रहा हूं इसलिए, हालांकि ब्रिस्बेन इससे पहले हुई है, बट देन आई एम नॉट गोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर जस्ट वन रीजन, कि ब्रिस्बेन की जो जीत है ना शायद वो भारतीय इतिहास की वन ऑफ द फाइनेस्ट जीतों में आएगा, ये भी आएगी लॉर्ड वाली भी आएगी, पर ब्रिस्बेन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पर अगर हम लॉर्ड्स की जीत की बात करें तो बड़ी बिल्कुल ज्यादा ताजा है कि आपने फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड की, उसके बाद चौथे दिन आप ऑलमोस्ट जमीन पे लेटे हुए थे क्योंकि 3 आपके आउट हो गए, आप सिर्फ 25 रन आ गए हो, फिर उसके बाद वहां से वापसी का सिलसिला बनता है, एक के बाद एक आप वापसी करने की, वो कहते हैं ना एक एक करके धागा आप पिरोते जाते हैं और एक बहुत बढ़िया सी तस्वीर बनाते हैं, इट वॉज सेंसेशनल हाउ इंडिया पुल दैट ऑफ, मात्र 60 ओवर बचे थे जब आपको पूरी टीम फॉल आउट करना था, 7 फिर भी बचे रहे थे और इंडिया ने मैच जीत लिया। लॉर्ड्स की जो जीत थी वो बहुत खास थी, पर आई थिंक नंबर 1 इन द लास्ट 5 ईयर्स इज सिंपल रीजन की 328 रन आखिरी थे चेज करने, डिफेंडिंग करने चेज करने,
1988 में से आप ब्रिस्बेन के वो कहते हैं गाबा के फ्रंटियर को किसी ने भेजा नहीं है। भारतीय टीम में ऑलरेडी विराट नहीं थे, शामी नहीं थे, लेकिन उसके बाद तो और बहुत सारे लोग नहीं थे क्योंकि उमेश यादव चले गए, रविंद्र जाडेजा चले गए, रविचंद्रन अश्विन चले गए, हनुमा विहारी चले गए। आई मीन इट वॉज अ टीम ऑफ वॉकिंग वुडेड, जहां नटराजन को डेब्यू मिल जाता है, शार्दुल ठाकुर खेल जाते हैं, वहां पे सिराज भी खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं। आई मीन दिस टीम हैड नो बिजनेस ऑफ विनिंग, पर इस टीम ने हार नहीं मानी और मैच जीते। इनफैक्ट दैट टीम दैट गेम दिस इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैचेस दैट इंडिया हैज एवर वन होम और अवे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे आया था तो मतलब बात ही कुछ अलग है यार। सामने की पूरी टीम थी, पूरी फास्ट बॉलिंग थी, पूरी बैटिंग थी, पर उसके बावजूद इस इंडियन टीम ने गाबा के फ्रंटियर को कॉन्कर किया। तो ये मेरी वो पांच सबसे बहुमूल्य सबसे यादगार जीते हैं पिछले पांच साल की। आप बताइएगा, अपना रैंकिंग बनाइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी बेहतर लगी, ये या वो या लॉर्ड्स या ब्रिस्बेन या नॉटिंघम या फिर जोहान्सबर्ग। प्लीज डू लेट अस नो। अब मैंने जैसा प्रॉमिस किया था क्रिकेट पाठशाला में चलते हैं और शोएब अख्तर से जानते हैं कि भाई फास्ट बॉलर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। मैं इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता ना, कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, अ रियली शोएब से सीखना चाहता है। तो अब जो अगले दो तीन सवाल मैं सिर्फ उनके बारे में पूछूंगा जो शोएब को देखते थे, जो शोएब को आइडल करते थे और शोएब जैसा बनना चाहते थे। तो एक यंग बच्चा जब बोलिंग करना चाहता है, फास्ट बॉलर बनना चाहता है, शोएब अख्तर उसको क्या सजेशन देता है, क्या एडवाइस देता है? यार कभी भी नेट में बॉलिंग नहीं करना। ओके, नेट में बॉलिंग, एक विकेट लगाओ या क्लब क्रिकेट का मैच हो वहां पे जाके आराम से अपना पूरे रनर से बॉलिंग करो। बेशक जोर ना लगाओ, जोर लगवा लेगा क्लब क्रिकेटर आपसे, वो क्लब का बैट्समैन आपसे जोर लगवा लेगा। जब आपका फ्रेमवर्क टेढ़ा होना शुरू होता है तो बॉलिंग खराब होना शुरू हो जाती है। नेट वो जगह है जहां पे फ्रेम खराब होता है, बॉडी फ्रेम खराब होता है, क्योंकि वहां पे एक नेट लगा होता है, एक ककून बना होता है, उसमें अगर बॉल आपकी 19-20 गिर भी जाए तो नेट पे लगने से ना लगता है कि वो कहीं दूर नहीं गई, और यही मैच में चौका होती है। इस पेस पे अगर उसने थोड़ा सा हल्का भी फ्लिक भी किया ना तो गैप में गए तो चार हो जाएगा। जब आप मैच बॉलिंग करते हो तो आप बड़ा कैजुअल आते हो, लेकिन जब आप बॉलिंग लेंथ पे डाल रहे होते हैं तो आप ये मद्देनजर रखते हैं कि मेरा बॉल बल्ले को छोड़े तो सही, स्लिपों में जाए तो सही, लेकिन विकेटों से खत्म होता हुआ जाए। तो मार्जिन हम बहुत कम देते हैं जब मैच खेल रहे होते, लेकिन जब नेट में आपको ये आइडिया ही नहीं रहता कि इधर नेट लगा, इधर नेट लगा हुआ यार, ये नेट आप तब करते हो जब आप फिटनेस रिगेन कर रहे होते हो, आप आराम आराम से आके बॉलिंग कर रहे होते हो। अगेन जब मैं फिटनेस रिगेन कर रहा होता तो मैं मिडिल में बॉलिंग करता हूँ, एक विकेट लगा के मिडिल, फिर मैं मैच खेलता था, क्लब क्रिकेट खेलता था। तो मेरी बच्चों से यही गुजारिश है यार कि जब भी आप 10 ओवर कर रहे हैं दिन के, आप प्रॉपर मैच प्रैक्टिस करें। आप नेट में फास्ट बॉलर खराब होता है, आप उस आपका बॉल टांग पे गिर रहा है, आपका बॉल ऑफ स्टंप से बाहर गिर रहा है, थोड़ा पीछे गिर रहा है, उसको शॉट लग रही है, कट लग रही है, तो आपका मसला लेंथ का कट। नेट में आपको ये पता नहीं चलता, नेट में आप हड़ा उड़ी दबी रहती है। सो अगेन दूसरी चीज जो है, जो बच्चे हैं ना, डरना नहीं, आप फेलियर से डरना नहीं, चौके से नहीं डरना, झक्के से नहीं डरना, कोई बैट्समैन मारा स्लैश कर नहीं डरना, आपने तगड़ा वापस आना है उसको। और एक चीज याद रखें, कुछ समझना है, स्टार्ट अटैकिंग द स्टंप्स विद द लेंथ बॉल, स्टार्ट अटैकिंग द स्टंप्स, आंखें जोर से मारना शुरू करो, कभी पेस नीचे नहीं करनी आपको। ये जो फास्ट बॉलर करते हैं ना, अपनी पेस को नीचे कर लेते हैं, स्विंग पे आ जाते हैं, आप दिलेरी नहीं दिखा रहे होते। दिलेरी इस चीज का नाम है कि आप हमेशा आउट करने के लिए जाते हैं। तो फेलियर्स इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, और जो बच्चे जिनमें टैलेंट है, एक तो आइडेंटिफाई जल्दी कर लें कि टैलेंट है हम, दूसरी ये चीज आइडेंटिफाई कर लें कि वो बुजदिल भी है। ओके, अगर वो बुजदिल हैं तो दलेरी एक एक क्वालिटी है जिसको आपके अंदर होती नहीं, इसको अक्वायर करना पड़ता है। ओके, आपको खरीदने पड़ता है। खरीदना कैसे पड़ता है आपको? आपको फेस करना पड़ता है डर, डर को फेस करें, अच्छा ये आपको मार ले, देखें आप फिर जाते हैं लड़ने के, आप फिर अंदर जाते हैं लड़ने, फिर जाते हैं लेंथ बॉल पे लड़ने के,
बॉल गिर नहीं रहा आपसे, आपने दलेरी दिखानी है। और ये क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप मैच विनर बनना शुरू हो जाएंगे। मैच विनर वही होता है जो विकेट लेता है, विकेट वही लेता है जो अटैक करता है, अटैक वही करता है जो दलेर बंदा होता है। वैसे तो सारे फजूल फास्ट बॉलर आगे पीछे लेंथ पे बॉल, लेंथ पे लेंथ पे लेंथ, ठीक है मैग्रा है यार, तो सारे मैग्रा तो नहीं है ना। मैग्रा की कोई ये समझना कि सर वो लाइन लेंथ बड़ी चाहिए, नहीं है नहीं, भरत कहते हैं मैग्रा की लेंथ में एग्रेशन था, उसकी लेंथ में एग्रेशन था, उसकी पेस में मे भी एग्रेशन ना हो लेकिन उसकी लेंथ में हमेशा वो इतना जोर से शेक पे हिट करता था कि वहां से ब्रायन लारा डज पे लगा रहा है। सो ही वॉज अग्रेसिव फास्ट बॉलर, बट वेन इट कम्स टू लेंथ देन हमारा ये था कि हम 13वें फास्ट बॉलर पे, 13वें का मतलब है कि वो सेट करते थे, सेट करके उसको लाया, रिकी पॉन्डिंग को 5 बॉलें बाहर की, अब एक बना के अंदर लाना उसको वहीं से यार, ड्राइव मार लंबा गॉज गैपों में, इतना लंबा ड्राइव मारा, इतना बड़ा गैप उसका, तो बाहर जाकर बल्ले मारने शुरू कर दिया, बॉल बना लिया उन्होंने चौथे ओवर में खेल लो। अच्छा तो ये जो जब बच्चे जब चल रहे होते हैं आगे की तरफ, आजकल जिम पे बड़ा तवज्जो रहता है शुएब, तो जिम कितना, रनिंग कितनी, बॉलिंग कितनी, ये बैलेंस कितना, क्योंकि पहले जिम अवेलेबल होते नहीं थे, आजकल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जिम यार जरूरी है मसल मास को मेंटेन रखने के लिए, जिम बहुत मसल मास, मसल मास में इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए इसको देखना चाहिए, आपके पास फैट कितना है, फैट रिजर्व आपके पास कितना है, जो आपने फैट रिजर्व मैच में लगाना है, आप फास्ट ट्विच फाइबर से बने हैं, स्लो ट्विच फाइबर से बने हैं, आप एंड्योरेंस एथलीट हैं या आप एक्सप्लोसिव एथलीट हैं, ये कौन पढ़ाई कराएगा इन बच्चों को? तो ये पहले पढ़ाना ये जरूरी है कि एक्सप्लोसिव फास्ट बॉलर्स क्या होते हैं, एंड्योरेंस वाले फास्ट बॉलर्स कौन से होते हैं, उनकी ट्रेनिंग फर्क है, एक्सप्लोसिव फर्क है, उनकी डाइट फर्क है, दूसरे की डाइट फर्क है, अब भूवी का भूवी एक फर्क फास्ट बॉलर है, बुमराह एक फर्क फास्ट बॉलर है, शामी फर्क फास्ट बॉलर, अब तीनों के एक ही छड़ी से हांकना शुरू कर देंगे तो मुसीबत हो जाएगी। मैं बुमराह को मैंने वहां पे भी दुबई में बताया था जब आप भी थे साथ में कि यार हार्दिक पांड्या को यार खुदा का वास्ता इतनी सी तुम चिड़िया बनी हुई यार, तुम्हारा कोई पठा लगा नहीं हुआ पीछे तुम्हारे बैक के ऊपर, इतना पठा मेरे आज बैक में इतनी बड़ी मछलियां लगी हुई दो पीछे, इतनी मैंने उसके बैक में हाथ लगाया तो his muscles were there but very lean, so मैंने हार्दिक कहा मैं टूटना चाहिए, तो भाई नहीं बहुत क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं टूट जाएगा, एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद टूट गया था। तो मैंने कहा यार अपना मसल को लोड करो, थोड़ा सा लोड करो, भूवी को स्ट्रॉन्ग ग्लूट चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोअर बैक चाहिए, स्ट्रॉन्ग उसको अपर साइड अपर टोर्सो जो है ना उसको वो चाहिए, अगेन शामी का लोअर का मसला ऊपर का अच्छा है लेकिन ऊपर के लिए उसको चिन अप्स चाहिए, उसको पुश अप चाहिए, लेकिन वो लीन लगे, लीन फास्ट बॉलर। अगेन बुमराह का भी अगेन यही है कि मसल मास की लोडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, आप कितना 6 इंच का मसल लेके जाते हो वापस आते हो 2 इंच का रहा, एक सीरीज में 2 इंच का रह जाता तो कितनी मसल वेस्टिंग है, बिकॉज कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग, सो आपने कितना भागना है ये आपको डिसाइड करना है, हफ्ते में 2 दफा लॉन्ग रन इज इम्पोर्टेंट, तो कीप योरसेल्फ वेरी लाइट ऑन द फील्ड, बट वंस यू नो योर एक्सप्लोसिव ट्रेनर एक्सप्लोसिव फास्ट बॉलर देन यू डू द एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, कि आपने स्लेज रनिंग करनी है, मैं अगेन बार बार मैं आ जाता हूँ अंडर 50 से अंडर 80 किलो लेके भागता था मैं, फिर मैं 20 उतारा फिर वापस आया, फिर 20 किलो उतारा फिर वापस आया, तो मेरी 20 स्प्रिंटें होती थी वो नहीं, फिर उसके बाद मेरी अपनी रनअप की स्प्रिंट होती थी, फिर मैं उस पर काम करता फिर उसके बाद बॉलिंग करता, और अगेन ये आपको अपने बारे में खुद जानना पड़ेगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बताएगा नहीं, आप अगेन इंडिया के पास लग्जरी है, ट्रेनर्स हैं, सेटअप है, पैसा है, और क्रिकेट होती है आईपीएल से बहुत पैसे कमा लेते हैं, तो आपके पास लग्जरी है, बिकॉज आकाश बड़ा प्रॉब्लम तेरे मेरे साथ ही रहा था, जो लोग ये सुनने को तैयार नहीं, जो सिस्टम आपके साथ काम करते हैं वो पैसे से क्वार होते हैं, हमारे साथ ना एडवाइजर ठीक, ना हमारे साथ ट्रेनर ठीक, ना हमारे पास फिजियो ठीक, ना हमारे पास वो पट्टी करने वाला, ना ये बताने वाला कि रात खाना क्या है, सोना कैसे है, कितने सोना है, उठना क्या, सुबह उठ के क्या करना है,
सो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है इसको रिक्वायर करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, वो सिस्टम रिक्वायर्स मनी। और आकाश के पास कहाँ से आए पैसे 3 टेस्ट मैच खेलने के बाद, वो कौन बताएगा उसको? और ऊपर से कहते थे कि सारा दिन भागो जी बॉलिंग करो, तो सारा दिन बॉलिंग तो कर तो लूंगा, शाम में रिकवर कैसे करूंगा? ना पूल है ना जिम है, वो तो मैं थोड़ा सा पागल था, मैं जिम चला जाता था। तो मैं उस वक्त 97 की बात कर रहा हूँ, 95-97 की बात, जो हमारे यहाँ पिंडी में जिम होता था मोती महल में, तो मैंने उधर से दाखिला ले लिया। तो फिर मैं वहां जाके 300-300 रैप एक्सटेंशन ले आता था, एक्सटेंशन के खाली, और लेग कर्ल के 300-300 रैप। तो मेरी थाई शुरू से ना इतनी बड़ी बन गई थी, और प्लस फिर मैं साइकिल पे आता था, साइकिल पे जा रहा था, तो साइकिल ऑब्वियसली मेरा वार्म अप था। लेकिन पिंडी सारा इस्लामाबाद ऐसे है, ऊपर नीचे पहाड़ी इलाका है, और मुझे जोर लगाना पड़ता था, खड़े होकर चलानी पड़ती थी, बैठ के चलानी पड़ती थी, बट इट वॉज ऑल फन। बट अगेन मेरा मुझे काम आ गई चीजें। कमाल का एक बंदा, मतलब बात कहता दिल से कहता, और बड़े बड़े कहते ना टू को बात कहते हैं कि भाई ये सटीक, एकदम सटीक। वेल डन शोएबी। अब जो मैंने आपसे ट्रिविया पूछा था कि द बेस्ट बोलिंग फिगर्स इन अ लूजिंग कॉज बाय एन इंडियन बोलर, जबगल श्रीनाथ 13 for 132, 13 विकेट चटकाई थी पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता के मैदान पर 16 फरवरी 1999, इफ आई रिमेम्बर दैट गेम, दैट वॉज द सेम गेम ना जो एंड में थोड़ा सा आपको एमटी स्टेडियम में भी खेलना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे वो जब सचिन बाजी रन आउट हो गए थे एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दैट वाज द टेस्ट मैच 1999 जब पाकिस्तान भारत आई थी। एक कोटला मैच था, एक ईडन गार्डन्स में मैच था, कोटला भारत जीत गया था, ईडन गार्डन्स में भारत हार गया था। द लूजिंग कॉज 13 for 132 इज वॉट जवागल श्रीनाथ डेड। आज के लिए इतना ही है, कल फिर आइए। कल मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पाकिस्तान की कुछ वो 5 memorable मैचेस की बात करें कल, कि भाई पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने भी कुछ प्लेड सम इनक्रेडिबल टेस्ट मैचेस, जहां कहीं जीते हैं कहीं हारे भी हैं। विल टॉक अबाउट दैट टुमारो या फिर कुछ और भी शायद फिगर इट आउट। अभी के लिए आप लाइक कीजिए, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और दोस्तों को बताओ यार आकाशवाणी पे मतलब चल बहुत मस्ती चल रही है। जाते जाते आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और ध्यान रखिए अपना।